बिजनौर में ठगी करने वाली महिला अपने दो साथियों के साथ गिरफ्तार की गई है। ये समूह झूठी शादी करके लोगों को फंसा करके उनके साथ ठगी करती थी। महिला के पास से फर्जी नाम के आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता इत्यादि कई डॉक्यूमेंट्स भी बरामद किए गए हैं। ये महिला लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाकर उनके साथ ठगी करती थी। बिजनौर में गिरोह बनाकर लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर ये लोगों से पैसों की ठगी करते थे। दिनांक 6 जुलाई को थाना कोतवाली देहात में पूजा शर्मा निवासी तिलक नगर दिल्ली द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई कि उसकी शादी अकबराबाद में रहने वाले एहतसाम सनफ फरीद के साथ हुई। एहतसाम घर से गायब है तथा उसके घर वाले उसके साथ प्रताड़ना कर रहे हैं। तत्काल सुसंगत धाराओं में अभी पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आया कि पूजा शर्मा का असली नाम जमीला खातून, डॉटर ऑफ रजर वली है, जो कि आसाम के जिला दरांग की रहने वाली है। उसके द्वारा दिया गया आधार कार्ड फर्जी साबित हुआ, साथ ही उसका पैन कार्ड, बैंक अकाउंट व इलेक्शन कार्ड प्राप्त हुआ, जो कि सत्य पाए गए। आसाम में रहने वाले उसके माता पिता के द्वारा भी उसकी पहचान अपनी बेटी जमीला खातून के रूप में हुई। उल्लेखनीय है कि पूजा शर्मा उर्फ जमीला खातून ने पूजा शर्मा बनकर देहरादून में दो व्यक्ति सोनू राजपूत व नौशाद कुरैशी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराए थे। दोनों ही व्यक्ति जेल में हैं। पूजा शर्मा उर्फ जमीला खातून